और छात्रों हम 67th बीपीएससी पीटी का जो री एग्जाम हुआ है इसका आंसर की हम आपके सामने देने जा रहे हैं। सी सीरीज का आंसर है लेकिन मेरे द्वारा सावधानी से प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा और इसका आंसर बताया जाएगा। अन्य ग्रुप के छात्र भी आंसर मिला सकते हैं कि क्वेश्चन सेम होता है। निश्चित बहुत हेरा फेरी हुआ इस एग्जाम में लेकिन उम्मीद है कि एग्जाम फेयर हुआ होगा। एक और चीज है कि प्रश्न की जो प्रकृति देखने से लगता है कि क्वेश्चन मीडियम और इजी रेंज के थे और जिन जिन छात्रों ने टेस्ट सीरीज बनाई होगी स्टार्ट में जो हमने सेक्शनल वाइज 20 टेस्ट दिया था और फिर कंप्रिहेंसिव टेस्ट पहली बार 20 और दूसरी बार भी 20 अगर उस टेस्ट सीरीज को बनाया होगा तो मैथ छोड़ने के बाद भी 115 से 16 क्वेश्चन उसमें होगा। हालांकि मैथ की जो क्लासेस ली गई थी हमारे द्वारा लगभग सब उसी तरह का क्वेश्चन रहा है और हमने इस पर फोकस किया था बिहार इकोनॉमिक सर्वे इंडिया इकोनॉमिक सर्वे तो उनसे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। अगर पिछले एग्जाम के कैंसिल होने के बाद भी हमने फोकस करा और इस कारण कई छात्र मुझे उम्मीद सीरीज हैं वो दिल्ली और पटना में मिलते हैं आप उसको रिचेक कर सकते हैं और जिन्होंने लिया है तो लिया ही होगा। तो खुशी यह है कि जिन जिन छात्रों ने टेस्ट सीरीज को बनाया होगा या हमारे यहां जो पढ़ रहे होंगे उनका रिजल्ट आना है। कट ऑफ हम थोड़ी देर के बाद बताएंगे जब विश्लेषण करने के बाद प्रश्नों की प्रकृति के विश्लेषण करने के बाद हम कट ऑफ बताएंगे। पहले हम आंसर पर आते हैं। क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ा जाता है उसका आंसर दिया जा रहा है। ग्रुप सी यानी सी सीरीज का हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है। इसका आंसर ई होगा क्योंकि मेघालय नागालैंड और मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है तो इसलिए इसका आंसर ई होगा। दूसरा क्वेश्चन है प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है इस परिसीमन की किस वर्ष तक रोक दिया गया है या 2026 तक रोक दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय इसका भी आंसर ई होगा कि यह संविधान का अंतिम व्याख्याकार है संघीय न्यायालय भी है और मानवाधिकार का भी संरक्षक आप कह सकते हैं इसलिए इसका आंसर भी ई होगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है तो वित्त आयोग गठित करती है आंसर सी होगा। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है जो 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास की जो रिपोर्ट दी गई थी और पेश किया गया था उसमें आर्थिक विकास समरस जीवन मानव पूंजी का निर्माण इन सब पर चर्चा की गई थी इसलिए इसका आंसर ई होगा। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है आंसर ई होगा। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे 788 सदस्य थे यानी आंसर डी होगा। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है हमारे यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव पर कितनी बार भाग लिया जाता है इस पर कोई कितना भाग लेगा या नहीं लेगा इसका कहीं वर्णन नहीं संविधान में इसलिए भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र हो सकता है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं 3 सत्र होते हैं सामान्यतः।
स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्तीय आयोग के अध्यक्ष एमसीसी तलवार थे, आंसर बी होगा। भारत में एक राज्य एक कानून लागू किया जाना है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी, तो इसका आंसर भी ई होगा क्योंकि सी और डी में संशोधन करना पड़ेगा, इसका भी आंसर ई होगा। वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? ₹1.7% इसका हिस्सा था। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन 109.5 मिलियन टन था, इसका आंसर सी होगा। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए, 13वां क्वेश्चन है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। या उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए मुख्य रूप से चीन से सटे हुए क्षेत्रों के लिए। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन चुनिए, ए सही है, सी सही है, डी सही है, बी गलत है, आंसर बी होगा। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है, गलत है। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के किस जिलों का सही क्रम है? या असेंडिंग ऑर्डर में ये है तो पटना जो है वो सबसे ज्यादा है, तो इसका आंसर जो है नालंदा मुंगेर पटना, पटना बढ़ते हुए क्रम में है, सबसे ज्यादा पटना में है, तो नालंदा मुंगेर पटना इसका आंसर सी हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर होता, कुछ लड़कों ने गलती भी करी होगी, तो क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में है तो बढ़ते हुए नालंदा मुंगेर पटना। वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का 3.47% है, ए आंसर हो जाएगा। 17 यह विकल्प जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है, सभी के लिए वायु मार्ग यह 7 निश्चय का हिस्सा नहीं है। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार यहां हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, तो यह है शिवहर, अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, नवादा, घटते हुए क्रम में। एनएसएसओ के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए सही है 21.9%, सी सही है, डी सही है, बी गलत है, इसका आंसर 19 का हो जाएगा बी। भारत की 33.35% संख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन, ये गलत है बी आंसर। निम्न कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित कर सकता है करता है, इसका आंसर सी और बी के हिसाब से सी आंसर इसका बनता है। संयंत्र और मशीनरी उपकरण 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में भी कौन सा कथन गलत है? जलभूतों के पुनर्भरण में वृद्धि सही है, वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण सही है, जल निकायों की मरम्मत और नवीकरण सही है, कुओं के निर्माण की चर्चा नहीं की गई है, इसलिए इसका आंसर डी है। भंडारी समिति का संबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से है, तो 22 का आंसर बी होगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित कथन चुनिए, यह एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है और एनपीएस भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सेवानिवृत्ति लाभ योजना है जो भारत के सभी नागरिकों को नियमित आय की सुविधा प्रदान के लिए है, तो बी सी और डी आंसर हो दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्पादन संवर्धन और निवेश ए सही है, सी सही है, डी सही है, बी जो विनिवेश है वो गलत है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात 11.7% था, यानी इसका आंसर डी होगा।
सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम दिया था स्वराज द्वीप। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना संबंधी चोरा चोरी किस राज्य में है? यूपी। आंसर बी। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? ए मुजफ्फरपुर। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण के द्वारा। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किनके पास था? तो श्रम विभाग जो था वह जगजीवन राम के पास था। आंसर सी। 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? आंसर बी दीपावली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया दिसंबर 1946 में 11 दिसंबर 1946 को। आंसर बी। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार को खान था? आंसर बी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी? आंसर ए। बंगाल के विभाजन के समय किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आंसर सी। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? जनरल डायर को। आंसर सी। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। आंसर सी। कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? रैमजी मैकडोनाल्ड नहीं थे। आंसर डी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 1931 में। आंसर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? आंसर ई लाहौर। मैथ बनाया गया है 41 है। अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं जिसे अनिल अकेला 20 दिन कर सकता है। यदि सुमन को अकेले यह काम करना पड़े तो वह कर लेगा 30 दिन में। उसके बाद है 55 विद्यार्थियों, तो इसका जो आंसर है वह बना 34 60 5 आंसर हो जाएगा इसका। दो खेल में कम से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं। आंसर सॉरी सी दिया गया है। आंसर 3 43। आंसर बी 60 और 40 और 44। आंसर ए 7। 45 आंसर डी 28 किलोग्राम। 46 आंसर ए 240 प्रति दर्जन। 47 डी 52 सेंटीमीटर। 48 ए 12 सेकेंड। 49 डी पूर्वान 10:48। 50 ए 5:27:11 उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में जो स्टेटमेंट है जिन वाक्यों पर विचार कीजिए जिसमें से कौन सही है, इसका आंसर सी 1 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए 1 और 2, इसमें 2 ए आंसर हो जाएगा 2 only यानी जल में मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। उसके बाद है बायोगैस का निम्न में कौन सा अव्यय प्रमुख है? सी मिथेन। वे कौन किस रासायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देती है? स्ट्रॉन्शियम। आंसर सी। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? इसको व्हाट आर द सॉल्ट लविंग प्लांट्स कॉल्ड? हेलोफाइट्स। इसका आंसर हो जाएगा बी। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। आंसर ए। पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज परागण की परिभाषा है सी ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रीन फ्रॉम अनदर टू स्टिग्मा। परागण का प्रकेंसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया।
उसके बाद है पौधे अपना पोषक तत्व मुक्त किससे प्राप्त करते हैं, मृदा सॉइल से, पाइन फर स्प्रूस सेडा लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये सभी काई कही जाती है जिम्नोस्पर्म आवृत बीजी, डी आंसर हो जाएगा। 60 क्वेश्चन है, इनमें कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, मलेरिया का क्लोरोक्वीन आंसर बी, 61 लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है केचुआ, अर्थवर्म जो है वो विदाउट रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम से क्या बनता है, द अल्टीमेट सब्सटेंस टू विच द कार्बोहाइड्रेट्स आर डिग्रेडेड ग्लिसरॉल आंसर डी, अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन्स आंसर सी, व्हाट वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट डॉक्टर हु अटेम्प्टेड टू वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर आंसर बी, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत यह अधि अपकेंद्रण पर आधारित है सेंट्रीफ्यूगेशन, प्रकाश की गति निम्नलिखित किस माध्यम से न्यूनतम होगी, बी ग्लास, निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है, आंसर सी बी स्पीड, यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दीजिए घूर्णन बढ़ा दीजिए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा, आंसर डी, गति का को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड, गैलीलियो आंसर सी, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, बी एवोगैड्रो का नियम, अपेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टीन, एक संवाहक तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विषय परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, सीवेक इफेक्ट, व्हाट टाइप ऑफ लेंस यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास, कन्वेक्स लेंस आंसर ए उत्तल लेंस, द प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म अप्लाइज टू प्लैटिनम आंसर बी, परमाणु के नाभिक कौन से मूल कण होते हैं, प्रोटीन्स एंड प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, द मेटलॉजिकल प्रोसेस इन विच अ मेटल इज ऑब्टेन इन ए फ्यूज स्टेट इज कॉल्ड, जिस धातु प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको कहते हैं स्मेल्टिंग यानी प्रगलन, निम्नलिखित में कौन सा पीतल के घटक हैं, जिंक एंड कॉपर, निम्नलिखित किसे अनबुझा चूना कहते हैं, विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज क्विक लाइम CaO, जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित कौन सा परिवर्तन होता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है, आंसर ए, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट मेटल, श्वेत धातु किसे कहते हैं, श्वेत धातु किसे कहते हैं, निकेल सी, किस मंत्रालय ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI, खबरों में नजर आने वाले एलाबेनिन क्लिवन श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल संबंधित थे, निश्चय आने वाली शूटिंग आंसर सी,
83 हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय प्रभार किसे सौंपा गया है? स्मृति ईरानी। सी, भारत के 15वीं राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार थे? यशवंत सिन्हा। सी, अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड रीड समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली है? अरुंधति राय। आंसर डी, बिहार के किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डी, दीप श्रेष्ठ। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर है 15.3%। आंसर ए, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं ए, मनोज तिवारी। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण बिहार के सीतामढ़ी जिले में किया गया? आंसर डी, बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्य न्यायाधीश, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी। इसका आंसर ए, बिहार में ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से संबंधित है। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक भारत के लिए कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। आंसर सी, बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? आंसर सी, भागलपुर। निम्नलिखित किसने बिहार में गिर संरक्षण योजना शुरू की है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। आंसर ए, सुनंदरी कार्यक्रम संबंधित है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से। आंसर सी, जुलाई 2020 किस नेता, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मार हत्या कर दी गई? डी, जापान। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद का एक भारत प्रेरित प्रस्ताव अपनाया जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया? बी, हिंदी। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता अब्दुल्ला साहिद ने की थी? आंसर सी, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा को चलाया था? आंसर बी, सक्टिंग वन जीव अभिरायण भूटान में है। आंसर डी, जो चीन के साथ विवाद है। 2023 में G20 का शिखर सम्मेलन ए, जम्मू कश्मीर में होगा। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में वाले जो दो और तीन सही है। आंसर डी, हाल ही में किस देश संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है? सी, इजराइल। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने पहला उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया था? ए, रूस। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? सी, विराट कोहली। COVID-19 टीकाकरण की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम है हर घर दस्तक अभियान 2.0। सी, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। आंसर डी, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था? आंसर बी, केंद्र सरकार। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है? सी, उत्तराखंड। भारतीय राज्यों के राज्यपाल ने कौन जोर पर समझती है? राजस्थान के कलराज मिश्र हैं, उत्तर प्रदेश के आनंदी बेन पटेल हैं। 1-2 सही आंसर है। आंसर सी, किसने सिंध विजित पर उसका अधिग्रहण किया? आंसर ए, नेपियर। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष की गई थी? सी, 1872। नियमित की गई थी 1881 में, लेकिन प्रथम जनगणना की गई थी सी, 1872। सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। आंसर बी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? आंसर सी, उषा मेहता। मगध शासक बिम्बिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। आंसर ए, बिहार में त्रुसत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इम बख्तियार खिलजी। आंसर डी, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आंसर सी, 119वां संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू एवं कानू। आंसर डी,
120वां चौरी विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ? 1798 से 1806 के बीच में हुआ था। तो आंसर ए 1798। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? आंसर डी 1936। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित की गई थी? डी राजगिरी। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसका वर्णन विशाखदत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम में की गई है। आंसर ए चंद्रगुप्त द्वितीय। वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी? आंसर सी। रोमन साम्राज्य में व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? आंसर सी कुषाण ने। मुस्लिम शासक जिसका सम्राट दारुल इस्लाम का एक भाग माना था, नसीरुद्दीन का जो काल जो था उसमें दारुल इस्लाम माना था, किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? जी अलाउद्दीन खिलजी। तुगरिल खान ने किसके शासन के काल के दौरान विरोध किया, विद्रोह किया था? आंसर सी बलबन। बलबन के समय में तुगरिल खान ने विद्रोह किया था। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? बहादुर शाह जफर ने। अगर राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा जाए, लेकिन अगर पूछा जाए तो पहला जो विद्रोह हुआ, जो संघर्ष हुआ था, वह औरंगजेब के साथ हुआ था, जब उसने जॉन चाइल्ड को 1687 में बाहर भेज दिया था। तो पहला संघर्ष अगर उसको हिसाब से दिया जाए तो संघर्ष के हिसाब से औरंगजेब आंसर होगा, लेकिन अगर राष्ट्रीय आंदोलन से होता तो बहादुर शाह जफर, पता नहीं बीपीएससी क्या आंसर लेगा। लेकिन अगर पहला संघर्ष की बात की जाए तो औरंगजेब के समय में 1687 ईस्वी में संघर्ष हुआ था अंग्रेजों का। तो अगर उस संदर्भ में देखा जाए तो इसका आंसर डी औरंगजेब होगा। निम्नलिखित कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने किया था? सती प्रथा का उन्मूलन किया था और ठगों के संगठित विद्रोह का दमन इनके समय में ही स्लीमैन ने करवाया था। और एक चार क्योंकि ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसका आंसर ई होगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। तो दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में एलनबरो के समय में किया गया था और धर्म परिवर्तन का अयोग्यता के प्रावधान का हटाना ये 1850 में किया गया था। तो ए पहला और चौथा सही है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अखबारी कागज उद्योग यह निपा नगर में है। भारत में प्रथम कोयला खान खोदी गई थी रानीगंज में। डी भारत की जनगणना 2001 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति है? भील। ए बिहार राज्य कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। बिहार का शोक कोसी। बिहार के किस जिले में तेलहार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कैमूर। एशिया की सबसे बड़ी ताजा गोखुर झील बिहार में कौन सी है? कांवर झील है। कनवार हिंदी में लिख दिया गया, अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो कांवर झील है। आंसर डी कांवर झील। हाँ, जाम के बल बल जाइए। तिलक सब जी निर्मो से नैना रही कोई फोन कर दिया नहीं दोनों उसको हटा दो नहीं नहीं ठीक है फोन आया था वो दिखाई दे रहा है फोन आवाज उखल पी कर बिहार के 138वां क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? आंसर डी जमुई। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम जाता है? आंसर ए भागलपुर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितना? 51.50%। आंसर बी। सौरमंडल का प्रधान आकाश पिंडी कौन है? निश्चित सूर्य के गिर्द होता है इसलिए सूर्य।
पृथ्वी के आंतरिक परत नीचे के निर्माण में के तत्वों की प्रचुरता है, तो निकिल और फेरन एंसर बी। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना में से किसने प्रस्तुत की है? डी डब्ल्यू एम डेविस ने। गरजने वाला 40 खुद 50 चिखने वाला 60 पौनी पृथ्वी किस गोलार्ध में? आंसर डी दक्षिणी गोलार्ध। सार्गेसो सागर हिस्सा उत्तरी अटलांटिक महासागर, आंसर ए। भारत और चीन के बीच सीमा को क्या कहा जाता है? सी मैकमोहन रेखा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्रति ऊंचाई नहीं प्राप्त होती, आंसर बी। निम्नलिखित में भारत में बाघ परियोजना 77 में लागू की गई थी, सही है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया जिसकी विषय वस्तु सभी जी हाँ, सब जी निरे मोसने नाम रे ने में अग्र नहीं है। केरल डी मंत्र यूट्यूब कहानी लगा समझ नहीं आया।